रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती इलाकों में 6 पुलों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि क्षेत्र के दूर दराज के इलाकों का विकास राजग सरकार की मुख्य प्राथमिकता रहेगी। रक्षा मंत्री ने थल सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे, रक्षा सचिव अजय कुमार, सीमा सड़क संगठन बीआरओ के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह समेत अन्य की मौजूदगी में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए पुलों का उद्घाटन किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि 4 पुल अखनूर में अखनूर पल्लान वाला मार्ग पर और 2 पुल कठुआ जिले में तारना नाला पर बनाए गए हैं। इन पुलों के निर्माण में कुल लागत 43 करोड़ रुपए आई है। इनका निर्माण सीमा सड़क संगठन बीआरओ ने किया है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि सरकार की जम्मू कश्मीर के विकास में गहरी रुचि है। उन्होंने कहा, जम्मू कश्मीर की जनता और सैन्य बलों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए कई अन्य विकास कार्यों की योजना है, जिनकी घोषणा समय आने पर की जाएगी। जम्मू कश्मीर में करीब 1000 किलोमीटर लंबी सड़कें निर्माणाधीन है। ऑर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्थापना के समय से ही दूर दराज के इलाकों में इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में काफी आगे रहा है और इस समय बखूबी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह कर रहा है। अपनी इसी जिम्मेदारी को जारी रखते हुए बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने जम्मू कश्मीर के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए 60 मीटर लंबा तरनाह 1 और 300 मीटर लंबा तरनाह 2 पुल का निर्माण कार्य पूरा किया है। इसी के साथ आज पलवान ब्रिज और घोड़वाला ब्रिज और पहाड़ी वाला ब्रिज और मनियाली ब्रिज आदि 4 और पुलों का भी उद्घाटन किया जा रहा है। इसके लिए जहां मैं आप सबको भी अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं, वहीं पर बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को भी मैं हार्दिक बधाई देता हूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। प्लीज लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन।